were revising. Yes, keep quiet now. Keep quiet. हाँ पहले तो यही डिस्कस ही कर ले, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स थी. ये देना अपना टेस्ट. कुछ रहता था हमारा जो नहीं आपसे हुआ, फिर इतने कम नंबर क्यों आए हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स है, एक बार दोबारा से सुन लो. लॉस की स्टेटमेंट सारी करनी है आपने, ठीक है, अच्छे तरह से. पहले तो सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट में से कोई भी एक लिख देते तो वो भी ठीक था. कईयों ने दो दो लिखी हैं, पर दोनों ही इनकम्प्लीट हैं, तो वो तो नहीं चाहिए ना. तो एक स्टेटमेंट ये, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर लोअर देन कोल्डेस्ट ऑफ इट सराउंडिंग. अभी भी देखो कुछ बच्चे बातें करते हैं. आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये बेंच खाली पड़ा, यहाँ दो. प्लीज डोंट थ्रो द टेस्ट पेपर्स लाइक दिस. इसको बैग में रख लो कोई. यस. और दूसरी स्टेटमेंट ये है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू दैट एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी. ठीक है, तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल हमारा इसी पे बेस्ड है कि अगर हम लोअर से हायर साइड पे टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कंप्रेसर की हेल्प के विदाउट पॉसिबल नहीं है. दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई और कंप्रेसर, राइट. देन इस यूनिट में और भी जो स्टेटमेंट्स थी वो भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, हु विल स्टेट दैट? स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. Yes, what is Stefan's law of radiation? हाँ, formula क्या है उसका? E is equal to sigma T4. So energy lost by a body per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the body. So the formula is E is sigma T4. Where E is not only the heat energy lost, it's heat energy loss per unit area per unit time. Rate of loss of energy per unit area, right? So, इसीलिए ये जो सिग्मा का यूनिट है 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन फोर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये ई का यूनिट है. सो अकॉर्डिंगली दिस इज आवर वैल्यू ऑफ सिग्मा स्टीफन्स कॉन्स्टेंट. Right? Then Newton's law of cooling. What does Newton's law of cooling state? That rate of loss of energy from a body is directly proportional to difference in temperatures of system and the surroundings. Okay, so a hot cup of tea kept outside in summers loses heat slowly in summers and quickly in winters. This is हाँ जी, किस तरह के कंसेप्चुअल ढूंढ रहे हो आप? हाँ तो इसमें रीजनिंग आती है, साथ में ही आती है. ये जो आपका वेव्स वाला क्वेश्चन था वो रीजनिंग ही थी साथ. हाँ जी, वो नहीं, ऐसे नहीं बता पाएंगे. चलो उसके बाद कौन सा लॉ था? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. लैम्डा मैक्सिमम इज बी बाय टी. Wien's displacement law states that maximum wavelength of black body radiations emitted by a black body is inversely proportional to temperature. So the formula is lambda maximum is B by T, where Wien's constant ki value kitni hai? 2.898 × 10⁻³ meter Kelvin. Theek hai? Meter Kelvin. Pramod, what is Kirchhoff's law of radiations? What's Kirchhoff's law of radiation? एक और लॉ किया था हमने. Stand up. मतलब perfect absorber of heat is perfect radiator of heat also.
sit down. So emissive power of a body at a particular temperature at a particular wavelength is directly proportional to absorptive power for the same wavelength for the same temperature, right? तो वो तो ऑब्वियस है कि अगर हम हीट करेंगे तो जो हीट एमिट होगी और कूल करेंगे तो हीट गिव आउट होगी. सो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई सब्सटेंस उतनी हीट वो गिव आउट भी करेगा. ठीक है. सो वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वाज व्हाई इज द आउटर सरफेस ऑफ इनर आउटर पार्ट ऑफ इनर सरफेस एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर पार्ट ऑफ अ थर्मस फ्लास्क डबल वॉल थर्मस फ्लास्क दैट इज सिल्वर्ड. So that silver doesn't absorb any heat and that's why it doesn't let any heat go out also. So that's why. So that the heat of contents remains inside the thermos flask. That is the purpose. Okay. So ye humare sare laws the iske. Baki zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics bhi hai. So wo ab kar lena usme. Chaliye work done ka bhi ek tha. Agar aapko aise aaye. To kya karoge? ये कौन सा वर्क डन है? आइसोथर्मल. सो इन प्लेस ऑफ वी टू बाई वी वन आई हैव रिटन पी टू बाई वी वन. हाउ कैन यू जस्टिफाई? इज द सेम एक्सप्रेशन ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? इसको फिर कैसे प्रूव करोगे? वी टू ओवर वी वन तक तो आप आ जाओगे. ठीक है. उसके बाद आप ये यूज करोगे. दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है. सो पी वन वी वन ओवर पी टू वी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो दैट मीन्स पी वन ओवर पी टू इज वी टू ओवर वी वन. सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वी टू ओवर वी वन बाय पी वन ओवर पी टू. सो वन स्टेप अहेड यू कैन गो एंड यू कैन प्रूव दिस ऑल्सो. ठीक है. वही चीज है, सेम ही है. सो अगर इस फॉर्म में भी आप बुक्स में देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वही एक्सप्रेशन, राइट? ओके. अब कौन मुझे बताएगा हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम? पीवी डायग्राम क्या होता है अनमोल? व्हाट इज पीवी डायग्राम? हाँ जी बोलो. प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. और फेज डायग्राम क्या होता है? फेज डायग्राम क्या होता है? ये युवराज आया हुआ है, स्टैंड अप. व्हाट्स फेज डायग्राम? फेज डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम दो किए थे ना हमने. फेज डायग्राम क्या होता है बोलो? पीटी ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, जिसको हमने वाटर के लिए बनाया था, जिसमें हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को इंडिकेट किया था, है ना? तो इसके ऊपर फोर प्रोसेसेस इंडिकेट किए थे. आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, इस पे इंडिकेट किए थे. कीप स्टैंडिंग. एक क्वेश्चन सुनाओगे तो बैठ जाओ. ये था ना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए. तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर था और कितना प्रेशर था? 273.16 केल्विन. एंड व्हाट वाज़ द प्रेशर? 456 483, कुछ इसी रेंज में है. एमएम ऑफ मर्करी कॉलम. सॉलिड, लिक्विड. सॉलिड मींस आइस, लिक्विड मींस वाटर, एंड वेपर मींस स्टीम. And this is the triple point of water that exists only for one particular value of temperature and pressure. At any other pressure temperature, it will not exist. So this is the point where all the three states of matter coexist. Okay, हम इसकी बात कर रहे थे. तो कैसे आप work done निकालोगे? Suppose the loop is like this. In indicator diagram, suppose the curve is like this. How will you calculate the work done? ये मैंने प्रूव करके दिखाया था एक दिन. कौन करेगा इसको? एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वर्क डन. बट व्हाट इज द मीनिंगफुल वर्क डन? यहां से मीनिंगफुल वर्क कितना होगा? दैट इज द एरिया ऑफ लूप एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप एबीसीडी. इनसाइड, सिर्फ द इनसाइड एरिया, दैट इज मीनिंगफुल. हाउ विल वी प्रूव दैट?
विल यू कम टू प्रूव दिस? देन यू कैन सिट. कौन करेगा प्रूव यहाँ पे? बाकी अपनी कॉपी पे करिए. इसको लेबल कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से वर्क डन ड्यूरिंग दिस स्टेप इज W1, ड्यूरिंग दिस इज W2, दिस इज W3 एंड दिस इज W4. फोर प्रोसेसेस शो हो रहे हैं, उनको हम W1, W2, W3, W4 बोल देते हैं. अब ये दो प्रोसेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक्सपेंशन, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. और ये दो प्रोसेस क्या शो कर रहे हैं? कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग हियर. एंड व्हाट इज द नेट वर्क डन? वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन माइनस वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन. तो मीनिंगफुल वर्क डन क्या होगा? W1 प्लस W2 विच इज वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन माइनस वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन. तो पहले हम ये वर्क्स निकाल लेते हैं इंडिविजुअली, उसको फिर पुट करेंगे हम. सो हाउ कैन वी राइट वर्क वन? इट्स एरिया अंडर दिस कर्व AB, एरिया अंडर द कर्व AB, तो इनको LM बोल देते हैं. तो ये जो एरिया है AB के अंडर, ये इसका वर्क डन देगा, है ना. हाउ कैन यू से दिस इज ABML, एरिया ABML, ठीक है. अब W2 क्या है? एरिया अंडर BC कर्व, तो इसको भी ड्रॉप कर देते हैं यहां पे परपेंडिकुलर. लेट अस से दिस इज N. सो हाउ कैन यू राइट एरिया अंडर BC, BCNM, दैट इज वर्क टू. एरिया BCNM, कौन बोल रहा है भाई? ठीक है. नाउ हाउ कैन वी राइट एरिया W3, एरिया अंडर CD. अब सी का तो ये एन है, डी के अंडर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लेट अस कॉल इट ओ. सो दिस एरिया अंडर CD इज CDON. और W4 कैसे लिखोगे? एरिया अंडर DA, एरिया अंडर DA. ठीक है, एरिया अंडर DA, तो ये हो गया DALO. अब आप देख रहे हो कि कौन सा एरिया एक ही बार आया है, कौन सा एरिया कट हो चुका है कम से कम दो बार लाइन से. दिस एरिया हैज बीन क्रॉस्ड ट्वाइस, दिस एरिया हैज ऑल्सो बीन क्रॉस्ड. ठीक है, दिस एरिया हैज ऑल्सो बीन क्रॉस्ड. तो इसका मतलब मीनिंगफुल वर्क यही है जो एक ही बार कवर हुआ है इन साइड द लूप ABCD. मतलब अगर ग्राफ को देखें वहां से भी पता चल रहा है, अदरवाइज हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. सो नेट वर्क डन इज एरिया ABML प्लस एरिया BCNM, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये हो गया माइनस दिस मच एरिया माइनस दिस मच एरिया, तो वो कितना आ गया? सिर्फ एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, दैट इज मीनिंग माइनस एरिया CDON माइनस एरिया DALO. सो दैट इज एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप ABCD अलोन. सो नेट वर्क डन इज एरिया ABCD, नेट वर्क डन इज एरिया ABCD. और एक जो वो ट्री की ब्रांच जो उसको हम मूव करते हैं और उसका ग्राफ बनाओ, वो पता नहीं जनरेशन और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव एक ने बनाया, दूर से देख के सबने बना दिया, वो तो उसका रेलेवेंट आंसर ही नहीं है. सिर्फ उदयवीर ने ठीक किया वो क्वेश्चन. उसमें आपने SHM का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना था बाय पुटिंग 5 डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिवाइडेड टाइम इंटरवल फॉर सेकेंड्स T=0, T=2, T/4, T/2, 3T/4 और T.
वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, मतलब देखो जो ट्री की ब्रांच को हम पुल करके छोड़ देंगे तो ऑसिलेट करेगी, ठीक है, तो उसको आप SHM ले सकते हो, और उसका भी ग्राफ बनाना था ना फिर आपने, वो जनरेशन और ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो नहीं था, ये मैक्सिमम बच्चों ने उसको अटेम्प्ट कर दिया है, दिस वाज नॉट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, देख लो एक बारी। क्लियर? कौन सी वैल्यू? हाँ, हमने ऐसा एक न्यूमेरिकल किया था एक्सरसाइज का, थर्मोडायनेमिक्स में एक ट्राइंगुलर क्वेश्चन है, पीवी डायग्राम में ट्राइंगल दिया हुआ है, और उसका हमने वर्क डन निकाला था, एरिया इंक्लोज बाय द लूप ही लिया था, आप देखना उसमें डायग्राम दिया हुआ है बुक में, और उसका क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। चलो आपको इजी क्वेश्चन देती हूँ। पीवी डायग्राम पे इंडिकेट ऑल द फोर प्रोसेसेस, कम सभी करिए, इंडिकेट ऑल द फोर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑन अ इंडिकेटर डायग्राम, कौन से हैं फोर प्रोसेसेस? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। आ जाओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाओ बस बना दो इसको यहाँ पे और बैठ जाओ। हाँ, इसको रब कर दो, इसको रहने देना, दो बहुत है जगह। बना लिया? बंद करो। ये क्या है, उल्टी दिख रही थी ना कॉपी इसकी, तो उसने ग्राफ उल्टा बना दिया। ग्राफ तो XY एक्सिस बनाओ पहले। अच्छा, अब आप ये देख लो कितने बच्चों के 4, 4.5, 5, 5.5 नंबर, 3.5 भी। चलो जल्दी बना लो। लेबल करो, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक की शेप सेम होती है, कर्व्स होती हैं, बट हाउ विल यू कम टू नो वृति की कौन सी आइसोथर्मल कर्व रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी एडियाबेटिक? वृति, इन दोनों में से कौन सी एडियाबेटिक है, कौन सी आइसोथर्मल? आप करो, आप। हाँ, नीचे वाली एडियाबेटिक है, बाय इट्स स्लोप इज मोर, तो हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, किस बनाओ आप कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज मोर, एडियाबेटिक कर्व इज स्टीपर देन एन आइसोथर्मल कर्व। रहने दो, रहने दो, आप बाकी के दो बनाओ। रहने दो, कोई बात, अब बनो। और ये यहां से स्टार्ट करते हैं क्या? जरूरी तो नहीं है, नहीं वो तो वैसे भी बन सकती है, इसी किसी भी पॉइंट से बना सकते हैं हम, ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी। चलो बना बाकी के दो। नहीं, इसको क्यों रब करना है, चारों एक पे बनाने हैं, इसी पे बनाना है। चलो जाओ, मन्नत लिख दो थोड़ा सा।
और पी वी लिखा ही नहीं, देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा। चलो ठीक, ये मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। अब कल भी आपकी डेरिवेशंस का टेस्ट होगा, आपको सिलेबस में कल का बता देती हूँ। कल रोटेशनल मोशन की डेरिवेशंस बोर्ड पे करवानी है, ठीक है? ठीक है, चलिए अब आ जाइए एक जना। रोटेशनल की जितनी भी है, एक तो टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, पहले सेंटर ऑफ मास की भी है ना, और उसके बाद हाँ जी हाँ जी बिल्कुल करनी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, छोटी मोटी जो है सारी, मतलब जो भी है इसकी। अब कौन आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, वेरी पुअरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन। हाँ, अब कौन ड्रॉ करेगा पहले, देन आई विल एक्सप्लेन। हु विल कम टू ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, आज जतिन आज, हाँ ये रख कर, बाकी सभी अपनी कॉपी में बनाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ लोडेड मेटालिक वायर। चलो चलो आप बनाओ, कंप्यूटर बंद कर दो। आता ही नहीं, क्यों? देखो सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स मार्क करने, ठीक है? व्हाट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट्स ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखते हो, पहले ही आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। हाँ चलो ठीक है, जाओ। सो दिस इज, इतना ज्यादा वो नहीं बनाना, स्ट्रेस स्ट्रेन ओ से लेके ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, पहले यहां से कर्व स्टार्ट होती है, जहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो प्रोपोर्शनल इंडेक्स, जहां से कर्व शुरू होती है वो आपका ए पॉइंट है, स्लाइड से कर्व स्टार्ट होती है। आप क्या करते हो, बीच में यहीं पे पी लिख देते हो, यहाँ ए लिख देते हो, देखो तो सही ना, जहां तक बिल्कुल सीधी है वो पी है, प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां थोड़ी सी कर्व आती है वो आपकी इलास्टिक लिमिट है ए। आफ्टर दैट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, बी पॉइंट पे अगर आप छोड़ते हो तो ये उधर से ही जाएगी, ये एक डिफरेंट पाथ के अलोंग वापस आएगी और इसमें एक परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, ओ ओ डैश, दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखा करो, इलास्टिक लिमिट डिफरेंट है और बी पॉइंट इन इटसेल्फ कुछ नहीं है, बट यहां से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव करते हैं तो वायर विल कम बैक टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन along a different path, not along BAO path, but along BO dash path. And this permanent deformation, slight permanent deformation produced in the wire after, soon after the elastic range is over, elastic limit is over, that is called permanent strain, permanent set. ठीक है? तो पहले तो यही तीन points में बहुत confusion है. P क्या है? Proportional limit. Stress is directly proportional to strain up to this point and perfectly Hooke's law is obeyed. A is elastic limit, still stress is directly proportional to strain, Hooke's law is not obeyed. Matlab, it shows elastic behavior, it will come back to original configuration, but stress bilkul directly proportional nahi hai, thodi si curve aa gayi hai, theek hai, aur Hooke's law perfectly obey nahi ho raha. उसके बाद सी यील्ड पॉइंट ये है, उसके बाद यील्ड पॉइंट आता है जब नेक्स एंड कंस्ट्रिक्शंस डेवलप, और उसके बाद डी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हरनूर स्टैंड अप, मुझे इसमें हंसने वाला नहीं कुछ भी लग रहा। अल्टीमेट स्ट्रेस, इसके दो और नेम बताओ क्या होते हैं,
टेंसाइल स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया एंड ये फ्रैक्चर पॉइंट है. फाइनली द वायर ब्रेक्स एट दिस पॉइंट. तो यील्ड पॉइंट और इस पॉइंट को मिक्स कर देते हैं बीच में, तो ये अलग अलग हैं सभी. उनको ध्यान से देखिए. फॉर स्मॉल स्ट्रेस लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस. स्ट्रेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ लोडेड मेटालिक वायर.